तो हे दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे जो देख रहे हो ये है धान का चारा, जिससे धान लगाया जाए कुछ दिनों बाद जब ये तैयार हो जाएगा। और ये पूरा पानी में डूबा हुआ है। चलिए मैं आपको और भी कुछ इससे भी खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। आप देख रहे हो ये चारा पूरा पानी में डूबा हुआ है, और आप सबको पता है धान के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये पानी आ कहाँ से रहा है, उसे देखकर आप सच में हैरान हो जाओगे। देखो ये पानी इधर से आ रहा है ऐसे, लेकिन इसका मेन सोर्स कहाँ है? चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है इसका मेन सोर्स, और यहाँ से ये पानी कंटिन्यू निकल रहा है। लेकिन एक मज़े की बात ये है, ये पानी एकदम नेचुरली ज़मीन से निकल रहा है। इसमें कोई भी मोटर नहीं लगा हुआ, ना ही कोई सोलर, ना ही कोई लाइट का कनेक्शन, कुछ नहीं। ये पानी नेचुरली ऐसे ही निकल रहा है, और ये पानी सच में इतना साफ़ है कि आप इससे पी भी सकते हो। तो दोस्तों ये एक पवित्र स्थान है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये बनाया गया है, और यहाँ पर पूजा भी होती है। क्योंकि ये जो पानी निकल रहा है ये कंटिन्यू ऐसे ही 2400 घंटे दिन रात निकलते रहता है। ये पानी बहुत ही साफ़ है, हम लोग जो घर में आरओ का पानी पीते हैं उससे भी साफ, इतना मीठा पानी है नेचुरल, और ये पूरे गांव वाले यहीं का पानी पीते हैं। तो दोस्तों देखो ये पानी थोड़ा सा नीचे है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसे पीने के लिए। वाह, बहुत ही मुश्किल से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि ये गड्ढे में है इधर और इधर पैर रख के। और देखो ये पानी इतना साफ़ है, मैं आपको भी पी के दिखाता हूँ। सच में बहुत ही मीठा पानी है।